हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं ना, वो आपकी सजेशन पे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने मोदी जी का वीडियो किया था जिसमें वो पीकॉक्स के साथ हैं, मोर के साथ थे, तो आपने कहा कि आप योगी जी को देखो, वो कितना जानवरों से प्यार है, उनको कितना एनिमल से प्यार है। और आपने इतनी सारी डिफरेंट वीडियो सजेस्ट की, तो मैंने एक रैंडमली आपके सजेशन पे एक वीडियो पिक की है। और इस वीडियो का टाइटल है योगी आदित्यनाथ एंड हिज लव फॉर एनिमल्स, पिक्चर्स गो वायरल। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था कि योगी जी को भी एनिमल्स से इतना प्यार है, तो वीडियो तो कमाल का होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर यस फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ आजकल हर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ के जीवन के उस पहलू के बारे में जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है। दरअसल यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जानवरों से बेहद प्यार करते हैं। केवल गाय नहीं बल्कि कुत्ते, बिल्ली, बंदर, अजगर से भी प्यार करते हैं। ऐसी ही कुछ फोटोज योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि आदित्यनाथ हिंदू युवा बहिनी के संस्थापक हैं। उन्होंने BSc डिग्री गणित में हासिल की है। योगी आदित्यनाथ गाय से इतना प्यार करते हैं कि वो खुद नाश्ता करने से पहले गायों को चारा खिलाते हैं। वो योगा और अपनी प्रार्थना करने के बाद सीधा गौशाला पहुंचकर गाय को चारा खिलाते हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की संस्था सड़क पर पाए जाने वाले सभी घायल और बीमार जानवरों की मदद करती है, उन्हें अपने संस्था में लेकर आती है और उनकी सेवा करती है। गोरखनाथ टेम्पल के पास जब भी योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो वहाँ मौजूद जानवर दौड़ दौड़ कर इनके साथ चलने लगते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये एक शेर के बच्चे की है। बताया जाता है कि इस बच्चे की सेवा करने के बाद इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया था। इस तरह से ये अजगर वाली फोटो भी योगी आदित्यनाथ की वायरल हो रही है। खबर में फिलहाल इतना ही। तेज वीडियो और राजनीति के खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, वाकई यार कमाल का वीडियो था। इतनी अलग अलग जानवरों के साथ उन्होंने दिखाया योगी जी को। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कहीं ऐसे जानवर थे। शेर के बच्चे को दूध पिला रहे बॉटल में, फिर वो क्रोकोडाइल को तो इतनी पास से ऐसे कर रहे थे जैसे दोस्तों, अरे मुंह खोल सकता है, वो कुछ भी कर सकता था। पर उनको नहीं था डर। उन्होंने, हो सकता है उसको भी बचपन से शायद रखा हो, क्या पता, पर अमेजिंग था। और सबसे अमेजिंग तो था वो इतना बड़ा, क्या अजगर बोल रहे थे उसको? अजगर क्या होता है इंग्लिश में? पाइथन। पाइथन होता है। इतना बड़ा होता है पाइथन, बाप रे, इतना बड़ा था वो। और उसको अपने शोल्डर पे, कंधे पे लेके जा रहे जैसे कोई दोस्त हो। अरे हम तो देख के ही मर जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाए हमारा। तो कमाल है सच्ची में। इससे लगता है कि उनको जानवरों से प्यार है। और सबसे मगर सबसे प्यारा जो था ना, एक तो वो जो गायों के साथ उन्होंने बताया कि खुद ब्रेकफास्ट खाने से पहले वो सबसे पहले अपने गायें जो होती हैं उनको जाके उनको चारा खिलाते हैं। वो बहुत स्वीट जेस्चर है। और वो तो मतलब हर हिंदू का होता है कि जैसे रोटी रखी है कि गाय को खिलाने के लिए रोटी रखते हैं। हम, मुझे अभी भी पता है, मम्मी बताती है कि आजकल तो वहां पे गाय आती है, वो कोई गाँव के या कोई आते हैं और वो गायों को लेके आते हैं घंटी घुंटी लगा के। और आपके घर की जो भी मतलब सब्जियों का लेफ्ट ओवर जब काटते हो और वो छिलके और वो सब लोग अपने घर में अलग रखते हैं कि जब उन्होंने आना होता है तो वो देते, ताकि वो फिर वो अपने वहां पे जो गौशाला जिसको बोलते हैं मेरे ख्याल से, वहां पे उन गायों को वो सब खाना खिलाते हैं। वो तो आजकल तो वो भी हो रहा है। तो ये जेस्चर जो था गायों को देना, उनको खिला के फिर अपना ब्रेकफास्ट करना, वो बहुत ही सुंदर था। पर सबसे मजेदार जो वीप था वो था जो उन्होंने बैठे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं और वो बंदर में मजेदार था देखने में ही कि गोदी में बैठा हुआ वहां पे वो काम करे जैसे वहां का उनका दोस्त हो या क्या बच्चा हो या क्या हो। और जो योगी जी हैं वो अपना काम कर रहे हैं आराम से बिना परवाह किए कि भाई कौन मेरी गोदी में बैठा है। तो अब तो मैं इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ योगी जी और मोदी जी में कि दोनों, एक तो नाम उनके सिमिलर है, ऊपर से दोनों को जानवरों से भी प्यार है। तो आगे से आपको यही सुनने को मिलेगा, जब मोदी जी बोलना होगा तो योगी जी निकलेगा, जब योगी जी बोलना है तो मोदी जी निकलेगा। पर दो बार कमाल का वीडियो था, कमाल कर दिया, इतना अच्छा वीडियो था, मजा आ गया देखने में। बहुत ही अच्छी बात है। पॉइंट ये है कि जो गाय है वो तो सीक्रेट एनिमल है हिंदूज का, तो हर एक इंसान गाय को प्यार करता है। तो ये तो बात सही है कि गौशाला जाते हैं जब भी उनका मन करता है वो गाय, और गाय जो है रिटर्न भी करती है, प्यार भी करती है, बहुत अच्छा एनिमल है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो है, दूसरे एनिमल जो हैं वो डोमेस्टिकेटेड नहीं है। तो एक तो आप डोमेस्टिकेटेड एनिमल का तो आप बोल सकते हैं ठीक है, गाय जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, वेजिटेरियन है, प्यार मिलता है, गाय को प्यार देते हैं आप, सब बढ़िया है। मगर उसके बाद कहानी बदलती है। एक है मंकी। अब मंकी अगर किसी इंसान को काट लें तो आपको 16 इंजेक्शन ऐसे लगते हैं, बहुत डेंजरस है। और मंकी में दिमाग ज़्यादा होता है और बहुत चालू होता है और वो बहुत कुछ उथल पुथल कर सकता है। तो मंकी जो है डेफिनेटली थोड़ा, मतलब मंकी से दोस्ती करनी थोड़ी डिफिकल्ट है। उसके बाद जो आता है मंकी के आगे वो है पाइथन, अजगर कह रहे हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में किसी स्नेक को टच तक नहीं किया। अगर यहाँ पे जो है अमेरिका में बच्चों के लिए वो स्नेक लेके आते हैं लाइब्रेरी में और बुलाते हैं कि बच्चे आए टच करें, वहां पर वो एडल्ट्स को बोलते हैं आइए आप भी टच करिए, मैं टच भी नहीं कर पाया स्नेक को। अब यहाँ पे योगी जी उसको कंधे में उठा के ले जा रहे हैं, इतना बड़ा बड़े पाइथन को। और इतनी शक्ति होती है अजगर में कि 1 मिनट में आपको लपेट के कर दे, तो वहाँ अच्छी बात है। दूसरा जो है वो भी अच्छा लगा कि वो जो शेर के बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो वो तो चलिए मतलब वो बच्चा छोटा है मगर वो बहुत डेंजरस बात है, बच्चा भी बहुत अटैक कर सकता है, शेर का बच्चा है आफ्टर ऑल। उसके बाद मगर अच्छा जेस्चर था कि मतलब उनको जो वो मतलब मेरे ख्याल से 1 टाइम इवेंट था कि उन्होंने उसकी देखभाल की, फिर उसको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया। मगर अजगर वाली बात और जो क्रोकोडाइल वाली बात है वो भी डेंजरस थी। क्रोकोडाइल एक बार अपना मुंह खोले तो वो तो एक झटके में जो है मगरमच्छ आपको मार देगा, और उसके जो मुंह होता है इतना स्ट्रांग होता है, तो वो दिखाते हैं कि फोर्स कितनी है। कि अगर मगरमच्छ के मुंह में एक बंदे ने तरबूज आया था, दिखाया था किस तरीके से उसने तरबूज को एक झटके में पूरा तबाह कर दिया, जैसे कोई बॉम्ब फटता है पार। तो मतलब इतनी शक्ति होती है मगरमच्छ के मुंह में कि उसके जॉज में बहुत पावर है, एक बार पकड़ ले तो आपका छूटना बहुत मुश्किल है अनलेस वो खुद आपको छोड़ दे। तो वो सब चीज़ें देख के लगता है कि योगी जी को डेफिनेटली प्यार है, और उन्होंने जो है हो सकता है कहीं डोमेस्टिकेट किए हुए हैं एनिमल्स, मगर बहुत खतरनाक है। मगर गाय का तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, हर एक इंसान को प्यार है, मगर और चीज़ों का खतरनाक लग रहा है मुझे। मगर बंदर का मुझे लगता है कि दोस्ती हो सकती है। कई बार आप बंदर एक चीज़ है, कई बार आप जाते थे, हमारे ज़माने जब छोटे थे तो बंदर का वो खेल करते थे, मदारी जो आते थे वो आपके सामने बंदर को नचा रहे हैं, डमरू लेके बंदर को नचा रहे हैं। तो वहाँ मैं समझता हूँ कि बंदर जो है इंसान का फ्रेंड बन सकता है, और उसे बच्चे आके हम लोग भी रोटियां देते थे तो बंदर खाता था तो लगता था कि दोस्त है, और उसको टच भी करा हुआ है मैंने बंदरों को। तो डेफिनेटली बंदर का मैं मान सकता हूँ, और मैं पाइथन अजगर का नहीं, शेर के बच्चे का नहीं, और क्रोकोडाइल नहीं। मगर खुशी इस बात की है कि योगी जी को जो है प्यार है एनिमल से, बिल्कुल भी डर नहीं है। बहुत अच्छा लगा देखकर, अमेजिंग था, अमेजिंग था। मैं तो अभी तक इस शौक से नहीं निकल पाई कि उन्होंने पाइथन को अपने कंधे पे लगाया हुआ था और क्रोकोडाइल के मुंह के पास जाके खड़े हुए थे, बहुत ही पास थे, टू क्लोज थे, उसके बिल्कुल मुंह के पास थे। तो मैं तो उस दोनों को देख के अभी तक मतलब मैं उससे गेट ओवर नहीं कर पाई हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो अमेजिंग लगा होगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।